हेलो एवरीवन, जैसा कि हमेशा की तरह हमने लूसेंट सीरीज का जो क्वेश्चन लिया है वो इस कुछ इस तरीके का है। ये हमारी सीरीज का नेक्स्ट सीरीज का अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रहते तो आप कर नहीं पाते, तो प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप देखिएगा, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है बट आपके प्रैक्टिस में होनी चाहिए। देखिए क्या दिया है, कह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू जीरो, ये दिया है। देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी पूछ रहा है, तो मैंने चार ऑप्शन लिख रखा है यहाँ पे, अंडर रूट थ्री ए बी, अंडर रूट टू ए बी, थ्री ए बी एंड अंडर रूट फोर ए बी। फ्रेंड्स, इसके आंसर क्या होंगे, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि ए प्लस बी का अगर होल क्यूब, ये फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, ए क्यूब होता है, बी क्यूब होता है, थ्री ए बी होता है और इन ब्रैकेट ए प्लस बी होता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि यहाँ पे ए प्लस बी आप होल क्यूब रहने दीजिए, इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए जीरो दिया है, ये जीरो हो जाएगा और प्लस थ्री ए बी और इन ब्रैकेट ए प्लस बी। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि आगे का स्टेप क्या होगा, तो आपको पता है थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी हो जाएगा, इधर थ्री टाइम्स है, इधर वन टाइम्स है ए प्लस बी, तो वन टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर एंड थ्री ए बी। फाइनली आपका आंसर अगर मैं पूछूं, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा था, तो ए प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, थ्री ए बी। दिस मीन्स ऑप्शन नंबर ए, यही क्या है इसका राइट आंसर है।